मुफ्त कानूनी सहायता के लिए जन जागरण अभियान चलाएगा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। प्राधिकरण की स्थानीय सचिव सुकीर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी, कहा निशुल्क कानूनी सहायता से लेकर आर्थिक मदद तक के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। हरियाणा में निशुल्क कानूनी सहायता को लेकर लंबे समय से सक्रिय हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण ने अब अपनी सक्रियता तेज कर दी है। इसी कड़ी में अब कस्बे से लेकर स्लम बस्तियों तक में प्राधिकरण की टीम लोगों को जागरूक करेगी। रोहतक में प्राधिकरण की सचिव सुकीर्ति ने आज पत्रकार वार्ता में पूरी योजना पर चर्चा की। रोहतक के CGM हरीश गोयल एवं प्राधिकरण की स्थानीय सचिव सुकीर्ति ने कहा कि निशुल्क वकील की व्यवस्था के साथ और भी बहुत सी योजनाओं पर प्राधिकरण काम कर रहा है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पीड़ित के लिए न्याय में मदद के साथ साथ आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए प्राधिकरण लगातार गांव से लेकर स्लम्स तक में जा रहा है। लोगों को समझना होगा कि किस तरह किन किन मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता वे ले सकते हैं। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी मेन उद्देश्य है। इसके तहत महिलाएं, बच्चे, विकलांग व्यक्ति, जो व्यक्ति कस्टडी में हैं और जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, वो सब इस कानूनी सहायता को अवेल कर सकते हैं। इसके अंडर आप लोग मुफ्त कोई भी कानूनी वकील के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कानूनी कार्रवाई में कोई कॉपी चाहिए आपको, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको मुफ्त इन जो भी इसके तहत अप्लाई करेंगे उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ पे हम लोगों को लीगल अवेयरनेस के बारे में भी बताते हैं, तरह तरह के कैंप्स लगाए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है इश्यूज, सोशल इश्यूज के बारे में, लीगल इश्यूज के बारे में। और मेन काम अब जो है यहाँ पे सबसे अच्छा वो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। जो रेप पीड़ित हैं, कोई मर्डर के बच्चे कोई कंपनसेशन चाहते हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनको भी कंपनसेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से दिया जाते हैं।